हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि IIT JEE 2005 में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन पे हमें पर्टिकुलर इंडिकेशन के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कहती है, अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दे रखी है y" यानी कि d3y/dx³ माइनस 3y" + 3y-y किसके इक्वल है, ए की पावर एक्स कॉस टू एक्स ई एक्स, ये चीज़ हमें दे रखी है। हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो आपको CF निकालने की जरूरत नहीं है, हमें बस PI निकालना है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं तो जिनमें से कोई एक ही करेक्ट होगा। ठीक है, आपको पता है PI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, q/function d। ठीक है, तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है वो हमें ये दे रखा है। ठीक, और जिससे हमें क्लियर पता चल रहा है हमारा जो क्यू है वो है ए की पावर एक्स कॉस टू एक्स। ठीक, और यहाँ से क्या हो जाएगा, फंक्शन d³ - 3d² + 3d-1, क्योंकि वाई आपका कॉमन आ जाता है सब में से और d/dx किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल, हम यहाँ पुट करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आ गई। तो फंक्शन जो फंक्शन डी है हमारा एक्चुअली क्या बन जाएगा, d-1³। अगर इसको आप खोलोगे तो आपको d-1 को इसको खोलने पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अब आते हैं हम PI पर। PI क्या होता है, q/function d। अब देखिए यहाँ पर जो क्यू है हमारा वो स्पेशल है, e की पावर x भी है और cos 2x भी है। ठीक, तो हमारा e की पावर x यानी कि a के प्लेस पे 1 है हमारा। ठीक, अगर आप इस 1 को आप d के स्थान पर रखना होता है जो रूल के सजेस्ट करता है हमें, जब हम रख रहे हैं तो नीचे 0 बन जा रहा है, जो फंक्शन डी है वो हमारा 0 बन जा रहा है। और जब ऐसा होता है तो हम क्या करना होता है, डी को रिप्लेस करना होता है d+a से, और a के स्थान पर हमारे पास क्या है, 1 है, यानी कि डी को रिप्लेस करना होगा d+1 से। और जब e की पावर x हमें a देता है, वो a देने के बाद वो साइड हट जाते हैं, ये e की पावर x हमको a देगा और ये खुद अपना साइड हो लेगा, ये इसे हमने लेफ्ट पर रख दिया है। अब हमारा ये आ गया, डी के प्लेस पर हमें रखना है d+1³। ठीक, ये चीज आ गई। तो हमारे पास बचेगा क्या, ex 1/d³ cos 2x। आपके पास दो चॉइस हैं, चॉइस देखिए 1/d³ बचा है, यानी कि आपको इस फंक्शन का आपको 3 बार इंटीग्रेशन करना है, एक चॉइस ये है। और एक चॉइस ये है कि d³ को आपको क्या बना दो, आप डी की पावर और इवन टर्म्स में बना दो। उसके लिए क्या करना है, डी से ऊपर और नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो d⁴ बन गया, और d⁴ को मैं लिख सकता हूँ d² का स्क्वायर। और देखिए यहाँ फंक्शन क्या है, साइन ax या फिर कॉस ax होता है तो वो हमें a देता है और a कितना दे रहा है, 2। तो और हमें क्या करना होता है, d² की जगह पर हमें रखना होता है -k² तो हम लिख सकते हैं इसको -2 का स्क्वायर। ओके, -2 का स्क्वायर यानी कि -4 और -4 का स्क्वायर यानी कि 16। ऊपर d है, d मीन्स डेरीवेटिव। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन का डेरीवेटिव करना है। कॉस टू एक्स का डेरीवेटिव क्या हो जाएगा, -k sin 2x और 2x का 2, 2 से काटोगे आपको मिल जाएगा 8। यानी कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा हमें वो मिलेगा -k ex/8 (sin 2x). अब जब हम ऑप्शंस को देखेंगे तो हमारा पहला ऑप्शन क्या चला जाएगा, ट्रू। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर